मुगल काल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, और पिछले वीडियोस में आपको मुगलों के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि कैसे मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का शासनकाल थोड़ा डिस्टर्बिंग था, लेकिन बाद में जाते जाते उसने पोजीशन को संभाल लिया था। बाबर के बाद जब अरे सॉरी हुमायूं के बाद जब अकबर शासक बना, तो अकबर ने मुगलों को स्थापत्य भारत में स्थायित्व प्रदान किया। अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने भी मुगल साम्राज्य को बढ़ाया ही, उसमें कोई कमी नहीं लाई, व्यवस्था को और मजबूत किया। जहांगीर के बाद जो शाहजहां था, शाहजहां ने भी अपने पूर्वजों की नीति को फॉलो किया और मुगल साम्राज्य को अक्षुण रखा, और इसके समय तक स्थायित्व इतना आ चुका था कि अब विकास अपने चरम पर पहुंच रहा था, और इसने जो सभ्यता संस्कृति और कला और साहित्य के क्षेत्र में जो काम हुआ शाहजहां के समय, इसी की वजह से इस शाहजहां का जो काल था वो मुगल इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, या भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है, सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पहला स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं और दूसरा शाहजहां के टाइम को। इसी शाहजहां जब बूढ़ा पड़ा, तो शाहजहां के बूढ़ा पड़ने के बाद इसका बेटा इसके जो चार बेटे थे, चारों बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और उन्हीं युद्धों में विजेता हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बनता है। हालांकि औरंगजेब इतनी आसानी से मुगल बादशाह नहीं बना, इसको उत्तराधिकार के लिए कई सारे संघर्ष करने पड़े। 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, फिर खजुआ का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, धर्मत, देवराई, ये सारी 4 लड़ाइयाँ हुई थी। इन चारों लड़ाइयों में फाइनली औरंगजेब विजेता होता है। हालांकि औरंगजेब को 2 बार अपने आप को बादशाह घोषित करना पड़ा था। पहली बार जब सामूगढ़ के युद्ध के बाद इसने दारा शिकोह को हराया, आगरे पर कब्जा हुआ, तो वहाँ पर इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया, लेकिन क्योंकि अभी भी दारा शिकोह जिंदा था, हालांकि दारा शिकोह बादशाह नहीं था, यही बादशाह बन चुका था, लेकिन अभी भी दारा शिकोह के जिंदा रहते इसकी संप्रभुता पर अभी भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। फाइनली देवराई की लड़ाई के बाद जब दारा शिकोह की हत्या कर दी गई, तब फिर दिल्ली में इसने अपना दोबारा राज्याभिषेक किया। तो ये ऐसा मुगल बादशाह रहा औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार इसके थ्रोन सेरेमनी हुई, 1 बार आगरे में, दूसरी बार दिल्ली में। अब ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब की जो माँ थी, ये वही मुमताज़ थी जिसके कोख से बाकी दारा शिकोह और शाह शुजा और बाकी जो मुराद शाह और जहांआरा गोहनआरा जो 7 बच्चे पैदा हुए थे, उसी मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की ही पेट कोख से इसका जन्म हुआ था। उज्जैन के पास इसका जन्म हुआ था। और औरंगजेब जब शाहजहां के को कैद करने के बाद ये बादशाह बना। हालांकि इसको काफ़ी क्रूर शासक माना जाता है, लेकिन इसने शुरुआती दौर में क्रूरता दिखाई, लेकिन बाद में फिर शाहजहां के प्रति उसने नरमी अपनाई और शाहजहां को कैद कर दिया गया मुसम्मन बुर्ज में, और शाहजहां की देखरेख के लिए अपनी बड़ी बहन जहांआरा बेगम को उसने उसके साथ छोड़ दिया था, जहां 6 साल तक जहांआरा बेगम शाहजहां के साथ रही। बाद में जब शाहजहां की मौत हुई, तो जहांआरा बेगम को काफ़ी सम्मान दिया था, अपनी बड़ी बहन को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया था, अपनी बहनों को बड़ा सम्मान करता था ये औरंगजेब। खैर, औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद सबसे पहले जो काम किए कि जनता के वो कष्ट देने वाले 2 कर होते थे, एक राहदारी होती थी, दूसरी पानदारी होती थी। राहदारी क्या होता था? राहदारी तो राहदारी में क्या होता था कि जब साम्राज्य में जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो रास्ते में जगह जगह टैक्स लिया जाता था, जैसे आप टोल टैक्स वसूलते हैं, तो वैसे उस समय राहदारी हुआ करता था। इस राहदारी कर को कष्टकर मारते हुए औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। और दूसरा एक कर होता था जो व्यापारियों से लिया जाता था, उसको पानदारी कहा जाता था। तो पानदारी होता था, ये ट्रेडर्स लिया जाता था, व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लेके जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, तो इस टैक्स को उसने समाप्त कर दिया। तो ये राहदारी और पानदारी टैक्स किसने ख़त्म किया था? औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया था। तो एक थोड़ा सा राहत देने वाला इसने काम किया। अब ये जो औरंगजेब था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, एक अच्छा सैनिक था, अच्छा योद्धा था, सारी रणनीति कूटनीति सारी विद्याओं में ये माहिर था, और इसकी जो पर्सनल लाइफ थी, इसकी जो व्यक्तिगत जीवन था, वो बड़ा शानदार था, बिल्कुल प्योर, कोई इसके अंदर कोई दोष कोई दुर्गुण ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। पढ़ा लिखा था और बाकी मुगल बादशाहों से काफ़ी अलग था। काफ़ी अलग होने का मतलब भी, जैसे बाकी मुगल बादशाहों के बारे में आपको बताया था कि सब एक नंबर के नशेड़ी हुआ करते, शराफ अफीम गांजा सब खूब पीते थे, जिसमें सबसे बड़ा जो नशेड़ी था जहांगीर था, जबकि औरंगजेब भी इकलौता ऐसा मुगल बादशाह था जो कोई नशा वगैरह नहीं करता था, नशे से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग रहता था, कोई शराब नशा अफीम कुछ नहीं करता, नहीं तो बाकी सारे मुगल बादशाह नशेड़ी थे एक नंबर के, ठीक।
और जो शादी ब्याह होती थी, जैसा कि बताया कि बाकी के मुगल बादशाह होते थे उनकी शादियाँ जो होती हजारों में होती थी, तो इसने शादी ब्याह के मामले में भी अपने आप को कंट्रोल किया। तो उस समय था कि इस्लाम में चार बीवियाँ वैध होती थी कि यानी एक व्यक्ति चार शादियाँ कर सकता था, तो इसने भी इस्लामिक परंपराओं को फॉलो किया और एक साथ चार ही बीवियाँ रखीं। चार से ज़्यादा उसने निगाह एक साथ नहीं की, एक साथ चार बीवियाँ ज़्यादा वो नहीं रखे। अगर किसी से इसको शादी करनी होती थी यानी अगर पांचवा निकाह करना होता था तो पहले एक बार तलाक दे देता था एक बीवी को, तब फिर एक से शादी करता था, फिर तलाक देता था, फिर निकाह करता था, फिर तलाक देता था, फिर निकाह करता था, एक समय में, लेकिन चार से ज़्यादा नहीं। अब जैसे हिंदू धर्म में होता है कि शादी करने के लिए राधा फेरे लेने पड़ते तब तो चक्कर आ जाता, इस्लाम में बहुत आसान था, इधर से तलाक है तलाक है तलाक है, उधर से कबूल है कबूल है कबूल, अब दिन भर में 10 बार तलाक बोलो 10 बार कबूल बोलो, कौन देख रहा, ठीक है। लेकिन एक समय में चार से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, बड़ा शरीफ आदमी था इस मामले में, एक समय में चार भी में चली। तो शादी ब्याह हो चाहे नशा हो, और इसका जो अपना जो व्यक्तित्व था, हालांकि ये शौकीन था बड़ा सितार बजाने का, सितार वगैरह बड़ा बजाने का शौकीन था, बहुत अच्छा सितार का ये वादक था, और ये बहुत अच्छा कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर का मतलब होता है कि जो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते थे, इसकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी। जैसे कॉलेज में डिग्रियों पर लिखने के लिए कैलीग्राफर अपॉइंट होना, डिग्री पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, तो इसकी भी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। और ये क्या करता था, जो कुरान होता था, कुरान की आयतें लिखता था, कुरान की पूरी प्रतियां बनाता था कागज़ पर और उसको वो बेचा करता था, तो राइटिंग बड़ी सुंदर थी। टोपी बैठ के सिलता रहता था, फुर्सत बैठ के, इवन दरबार में बैठ के बैठे बैठे टोपी की सिलाई करता रहता, जो इस्लामिक टोपियाँ होती ना नमाज पढ़ते समय पहनते हैं, तो बैठ के टोपी अभी भी सिलता रहता, तो टोपी को सिल के वो बेचता था। तो टोपी सिल के बेचना और जो कुरान लिख के बेचता था, इसके हाथ की लिखी हुई कुरान अभी भी पटना में एक लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में इसके औरंगजेब के हाथ की लिखी हुई कुरान अब तक मौजूद है, उसको देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं जाके। तो कुरान लिख के और टोपियाँ सिल के जो बेचता था उससे इसकी आय होती थी, उसी से अपना खर्चा चलाता था, अपने पर्सनल खर्चे के लिए वो खजाने से पैसा नहीं लेता था। अभी टोपी सिल के बेचेगा या कुरान लिख के बेचेगा तो ऐसा नहीं कि 2-4-5 रुपये में बिकेगा, आम आदमी तो था नहीं भाई, बादशाह बना के बेच रहे हैं, बादशाह लिख के बेच रहे हैं, तो छोटा मोटा आदमी 2-4-5 रुपये में तो खरीदेगा नहीं। अभी समझ लीजिए कि हम कोई चीज़ लिख के बेचें या कुछ टोपी सिल के बेचें, और वही मोदी जी लिख के बेच दें, मोदी जी कोई टोपी सिल के बेच दें, तो टाटा बिरला अंबानी टाइप के लोग खरीदेंगे, बड़ा व्यापारी धनी लोग, तो 2-4-5 रुपये में तो खरीदेंगे नहीं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000 देंगे। तो यही उसके साथ था, तो बेचता था तो अमीर लोग खरीदते थे, अमीर लोग खरीदते थे तो पैसा भी इसको ज़्यादा देते थे, तो ऐसा नहीं था कि वो सिल के बेचता था तो बहुत गरीब था, पैसा बढ़िया मिलता था उसको, अमीर था पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन ये था कि अपने खर्चे के खजाने से वो जो खर्चा पानी ये नहीं लेता था, ठीक। ये जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा कर गया था, कभी कभी ज़्यादा पढ़ाई भी घातक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ये पढ़ लिख गया था, और इस्लाम को उसने कुछ दिल पर ज़्यादा ही ले लिया, बहुत से लोग होते हैं धर्म को ज़्यादा ही टची हो जाते हैं, तो धर्म को इसने बहुत ज़्यादा ही अडॉप्ट करने की कोशिश की, अपने अंदर उतारने की कोशिश की। इसी वजह से ये धर्म इसके हर कदम पर दिखाई देता है, इसकी चाहे सामाजिक नीति हो, चाहे धार्मिक नीति हो, चाहे राजनीतिक पॉलिसी नीति हो, चाहे राजपूतों के प्रति इसकी नीति हो, चाहे दक्कन की नीति हो, हर इसके कदम में धर्म दिखाई देता है, धर्म की गंध दिखाई देती है कि जरूर, क्योंकि कट्टर था ही, तो जो काम करता था भले ही वो सोच के करे चाहे ना करे, बाकी लोगों को लगता था कि नहीं ये धार्मिक दृष्टिकोण से कर रहा है, क्योंकि पहले ही इसकी छवि जो थी वो जिंदा पीर वाली बन गई थी। इसके बारे में कहा गया कि ये बहुत धार्मिक कार्य करता था इस्लाम के प्रति, और इसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का जो है कि नारा दिया था कि हम दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को इस्लामिक देश बना देंगे, तो इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। तो इस वजह से ये चीज़ें अब खुद में इसके आ गई थी या बाकी लोगों ने इसको दे दिया, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितने भी काम इसने किए सब में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इसके धर्म जरूर दिखाई देता है। अब धर्म कैसे दिखाई देता है, इसके कुछ धार्मिक कार्यों को हम लोग देखेंगे कि जैसे इसने क्या किया था कि अपने शासनकाल में 1669 में मुहत्सिब हुआ करते थे, मुहत्सिबों को अपॉइंट किया, मुहत्सिबों की नियुक्ति की। ये जो मुहत्सिब होते थे इनका काम था कि प्रजा का जो धार्मिक आचरण है उस पर नियंत्रण करना, और इन्हीं को आदेश दिया गया था कि जो हिंदू मंदिर हैं और जो पाठशालाएं हैं उनको तोड़ दिया जाए। और इन्हीं मुहत्सिबों ने क्या किया कि उस समय जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर था, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात का अभी भी है, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया,
वीर सिंह बुल्लेनार एक केशव राय का मंदिर बनाया था, उसको भी तोड़ा गया। मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया। तो बहुत सारे मंदिर इन महोत्सवों ने तोड़ डाला था। तो ये एक धर्म को, अपने धर्म का प्रचार और बाकी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। इसी ने पुराने जब मुगल बादशाहों की बहुत सारी नीतियाँ थी, जो बहुत सारे जो धार्मिक कृत्य थे जिसको इन मुगल बादशाहों ने स्वीकार किया था भारत में, उसको उसने बदल दिया। कि जैसे झरोखा दर्शन होता था कि भाई जो बादशाह होता था वो झरोखे पर निकलता था, आम जनता को दर्शन देता था, वो उसने बंद करा दिया। पहले क्या होता था कि बादशाह तुला दान देते थे कि अपने बराबर का वजन सोना चांदी दान दिया करते थे। तो तुला दान वगैरह की परंपरा भी औरंगजेब ने समाप्त कर दी। इसने इवन इतना इसको धर्म के लेके चिंता थी कि जो सिक्कों पर कलमा लिखा जाता था, जो कुरान की आयतें लिखी जाती थी, वो कलमा लिखवाना तक इसने बंद कर दिया था। किसको लगता था कि सिक्कों पर कलमा इतनी पवित्र चीज़ है, सिक्का काफिरों के हाथ में जाता है, सिक्का जमीन फूट जाता है, लोगों के पैर से पड़ता है, इसलिए कलमा अपवित्र हो जाएगा। तो इसने कलमा तक सिक्कों पर लिखवाना बंद कर दिया था। इवन ईरानी ही एक परंपरा थी, अरे सॉरी फारसी एक परंपरा थी, नवरोज मनाना। नवरोज जो मनाते थे, जो फारसियों का न्यू ईयर होता था, वो अंग्रेज ने शुरू किया था। फारसियों के नवरोज तक पर इसने रोक लगा दी थी कि ये गैर इस्लामिक परंपरा है, हम इसको नहीं मानेंगे। संगीत समारोह, म्यूजिक, पेंटिंग, जैसे बताया था कि जहांगीर का काल चित्रकारी का काल था, ये सब उसने बंद करा दिया। संगीत वगैरह से हालांकि खुद आपको बताया कि वीणा बजाने का शौकीन था, लेकिन पब्लिकली इसने म्यूजिक पर बैन लगा दिया। म्यूजिक, पेंटिंग जो कलाकार थे सब उसने बंद कर दिया, और दरबार से उनका संरक्षण मिलना बंद हो गया। उनको दरबार से निकाल के बाहर करवा दिया कि नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा हमारे दरबार में। तो इसी के विरोध में, विरोध क्या मतलब, एक प्रतीकात्मक सिंबोलिक संगीतकारों ने क्या किया कि एक प्रतीकात्मक रूप से संगीत का जनाजा निकाला औरंगजेब के विरोध स्वरूप, क्योंकि बाकी मुगल बादशाह अच्छी खासी रकम खर्च करते थे। अब संगीतकारों की इनकम हो नहीं रही थी, बादशाह ने भगा दिया था। तो इसी का एक प्रतीकात्मक रूप से सिंबोलिकली संगीतकारों ने विरोध के रूप में एक जो है कि इसका जनाजा निकाला म्यूजिक का। तो औरंगजेब को बताया गया कि संगीत का जनाजा निकालना है, लोग हयासन का मतलब मुर्दाबाद कर रहे हैं, संगीत को दफन करने जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि लेके तो जा रहे हैं संगीत का जनाजा, लेकिन इन सबों से कह दो कि उस जनाजे को जमीन के बहुत अंदर तक गाड़ें, इतनी अंदर तक गाड़ें कि दोबारा संगीत की गूंज ऊपर तक निकल आ रहे। यानी विरोध का भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो इसके इस कदम से जो संगीत और चित्रकला और जो बाकी कलाएं हुआ करती थी, उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जैसे लगता है ना कि दरबार से भगा दिया, दरबार के भगाने की वजह से जो म्यूजिक है, जो पेंटिंग है, इसको नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन संगीत और जो पेंटिंग थी, चित्रकला थी, इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जब इसने अपने दरबार से भगाया तो ये जो चित्रकार थे ये फिर जगह जगह गए भटके, इनको खाने पीने की संकट हुई। क्योंकि पहले क्या था कि मुगल दरबार में रहते थे, कई बार एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, बादशाह इतनी दौलत उनको इनाम दे मिल जाता था कि जिंदगी भर बैठ के खाते थे वो सब। फिर बहुत ज़्यादा वो अपने कला के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, और कला बिल्कुल सिमटी हुई थी एक जगह, आगरे और दिल्ली के राज दरबार तक बिल्कुल सिमट कर रह गई थी कला। लेकिन जब औरंगजेब ने भगाया तो इनको आजीविका का संकट हुआ, तो इन लोगों ने और दिमाग लगाना शुरू किया, और अच्छे से काम करना शुरू किया, और क्षेत्रीय स्तर पर जाके छोटे छोटे जो जागीरदार होते थे, छोटे मोटे राजा होते थे, उनके यहाँ जाके अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसकी वजह से स्थानीय कला जो थी, जैसे पटना कलम है, तो बूंदी शैली है, तो ये जो स्थानीय कला की जो शैलियाँ विकसित हुई भारत में, चाहे संगीत हो चाहे चित्रकला हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान औरंगजेब का था। अगर वो नहीं भगाता तो सारी कला क्या होती, एक जगह सिमटी रहती, वही भगाया सब जगह फैल गई। तो उसने हालांकि ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन असर इसका बहुत अच्छा हुआ कि स्थानीय रूप से कलाओं का बहुत ज़्यादा, कला और संगीत दोनों का बहुत ज़्यादा विकास होता है। ठीक, चलिए। तो ये जो इसका जो धार्मिक कार्य था, इसने कुछ टैक्सेस भी लगाए, कि जैसे तीर्थ यात्रा कर इसने वापस लगा दिया, सती प्रथा को इसने बंद कर दिया, और जो जजिया था, जजिया एक प्रतीकात्मक रूप से, हालांकि जजिया की कोई आर्थिक ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इसने जजिया टैक्स वापस से इम्पोज कर दिया, लगा दिया। चलिए, तो ये तो इसकी धार्मिक नीतियाँ थी। अब इस औरंगजेब की जो राजनीतिक संघर्ष था, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं धर्म हर एक तरफ से दिखाई देता है। जैसे इसके समय जो इसका मुख्य संघर्ष था, गोलकुंडा, बीजापुर और मराठों से, यानी दक्कन ही मुख्य समस्या उस समय थी, और इधर राजपूतों में मारवाड़ था, मेवाड़ था, ये सारे थे। तो इसी में कुछ समस्याएं खड़ी हुई, और सारी समस्याओं की जड़ में इसका धर्म ही था, और औरंगजेब की एक जिद भी थी धार्मिक। हुआ ये था कि औरंगजेब का शासनकाल शुरुआती तो बहुत अच्छा रहा,
और इसके समय तक मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन चरम पर वही होता है कि जब चरम पर पहुंच जाते हैं तो फिर तुरंत उसके बाद क्या होता है, पतन की स्थिति आने लगती है। तो ये जब मुगल साम्राज्य को औरंगजेब ने पतन चरम तक पहुंचाया तो पतन की शुरुआत भी औरंगजेब ने ही कर दी, यहीं से सब कुछ इसका समाप्त होना शुरू हो गया। ठीक, अब समाप्त कैसे हुआ कि जैसे पहली बात कि जब बहुत सारा इसका क्षेत्रफल फैला तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस यानी साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से इसने सबके ऊपर अपनी चीज़ें लागू करनी शुरू कर दी और बहुत कड़ाई दिखाई, बहुत कठोरता दिखाई। अब कठोरता ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ ही, खुद के साथ भी बहुत कट्टर था, अपने आप को भी बड़े कड़े अनुशासन में रखता था, बाकी सरदारों को भी कड़े अनुशासन में रखता था, इवन अपने बच्चों तक को वो नहीं बख्शता था। एक बार इसका बड़ा बेटा मुअज्जम था, मुअज्जम के ऊपर इसको शक हुआ कि ये दक्कन में बीजापुर के साथ मिलकर साजिश करने की कोशिश कर रहा है। औरंगजेब ने मुअज्जम को गिरफ्तार करवाया और मुअज्जम को 12 साल उसने कड़ी कैद में रखा था। और जब 12 साल बाद उसको मुअज्जम को रिहा किया गया तो मुअज्जम को इतनी डर लगती थी औरंगजेब से कि अगर कहीं काबुल और कंधार में भी मुअज्जम होता था और अगर औरंगजेब की चिट्ठी उसके पास पहुंचती थी तो डर के मारे कांपना शुरू कर देता था उसका बड़ा बेटा, इतना उसने दहशत फैलाती थी। तो इतनी कड़ाई इसने कर दी, तो जब कड़ाई हद से ज़्यादा होगी, जैसे शीशा बहुत कड़ा होता है तो कड़ा तो होता है लेकिन झटका लगने पर दरारें भी सबसे ज़्यादा शीशे में ही पड़ती, वही इसके साथ था। बड़ा साम्राज्य था, उसको सख्ती से उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, तुरंत दरार पड़ने शुरू हुई और खूब ढेर सारे विद्रोह, विद्रोह क्या, विद्रोहों की पूरी श्रृंखला चली इसके समय। सबसे पहले इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए वो विद्रोह किया जाटों ने, मथुरा के जाटों ने सबसे पहले विद्रोह करना शुरू किया और मथुरा के जाट सरदार था गोकुला, जाट विद्रोह सबसे पहले किसका विद्रोह हुआ औरंगजेब के खिलाफ, जाटों का। तो जाटों में इनका सरदार था गोकुल या गोकुला कहीं कहीं लिखा रहता है, इस गोकुला ने ही सबसे पहले विद्रोह किया। ये मथुरा के थे, जमींदार थे, लेकिन उसको दबा दिया औरंगजेब ने अपनी ताकत के बल पर। फिर इसके बाद जाटों का अगला जो बड़ा नेता हुआ राजा राम जाटों का सबसे तेज तर्रार नेता साबित हुआ, इसको जाटों का अफलातून भी कहते हैं। राजा राम ने खूब जम के मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाई, मुगलों की छावनियों पर आक्रमण किया और एक बार तो राजा राम हमला करते हुए आगरे तक पहुंच गया था। और आगरे में जो अकबर का मकबरा था, इसने सोचिए अकबर के मकबरे पर हमला कर दिया और उसके मकबरे को लूट दिया और अकबर की कब्र उसने खोद डाली। राजा राम ने अकबर की कब्र खोद के अकबर की हड्डी निकाली और उसकी हड्डी को जला डाला। बोला कि बेटा इस्लाम बहुत प्रचार कर रहे हो औरंगजेब, तुम्हारे जो है कि परदादा का अंतिम संस्कार हिंदू विदेश कर देंगे। तो राजा राम ने अकबर की हड्डी को खोद के जला दिया था, आग लगा दी थी उसने, तो बहुत लूटपाट मचाई थी इसने। तो इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है, बहुत उल्टी सीधी हरकत की थी। इसी के बाद हालांकि औरंगजेब के पास इतनी सामर्थ्य की फिर इसके विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई। इसके बाद अगला जो जाट नेता हुआ चूरामन, तो जो चूरामन था इसने फिर मथुरा से अपने आप को शिफ्ट किया और एक नया शहर बसाया भरतपुर, भरतपुर शहर की स्थापना की और भरतपुर में ही जाट राज्य की स्थापना की और मुगलों का विद्रोह, मुगलों के खिलाफ विरोध कायम रखा। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक इसका विद्रोह जाटों का नहीं चल पाया। इसके अलावा एक और मुगलों का विद्रोह हुआ था नारनौल के पास, सतनामी थे, सतनामियों ने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया 1662 में। तो ये जो सतनामियों का विद्रोह था 1662 में, ये भी नारनौल में थे। नानौल जो था ये मथुरा के पास पड़ता है। तो जो सतनामी थे एक धार्मिक संप्रदाय थे और ये अपने शरीर के जितने बाल होते थे सब बाल वाल हटा देते थे, जैसे बाल मुड़वाना, तो अपने शरीर के सारे बालों को लोग मुड़वा देते थे, बिल्कुल अपना मुंडन करवा लेते थे। इसलिए इन सतनामियों को कहीं कहीं मुंडिया भी कहा गया, मुंडिया का मतलब ये बाल मुड़वा के रहते थे, इसलिए इसको मुंडिया कहा गया। तो बाद में फिर इनके विद्रोह को भी दबाया गया। फिर इसी औरंगजेब के समय इसी की धार्मिक नीतियों के कारण अफगानों ने विद्रोह किया था। अफगानों का एक रोशनाई संप्रदाय था, तो रोशनाई संप्रदाय धार्मिक आंदोलन था, तो उसने भी इस्लाम के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन किया। इसी के समय बुंदेलों का भी विद्रोह हुआ औरंगजेब के ही समय, चंपत राय बुंदेल थे उसने विद्रोह किया। तो चंपत राय जो बुंदेल के विद्रोह को उसने दबाया और चंपत राय को हरा दिया। चंपत राय अपनी हार से इतना दुखी हुए कि चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। फिर चंपत राय के बाद फिर छत्रसाल बुंदेला था, छत्रसाल बुंदेला ने भी विद्रोह किया, लेकिन बाद में फिर औरंगजेब ने इसको समझा बुझा के कुछ समय तक अपने साथ मिला लिया और छत्रसाल बुंदेला को 4000 का मनसब दिया था।
तो कुछ समय तक छत्रसाल बिंदोला ने औरंगजेब का साथ दिया, उसका मनसब स्वीकार किया, लेकिन बाद में जब दक्कन में इधर शिवाजी विद्रोह करते हैं तो शिवाजी का देखे देखा छत्रसाल बुंदेला ने भी मराठों का साथ दिया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, इसके खिलाफ सब सिखों ने भी विद्रोह किया था मुगलों के, क्या ऐसे औरंगजेब के खिलाफ सिखों में सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने प्राण दंड दे दिया था, उनको हत्या करवा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर के बाद अगले जो अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो वो लड़ाई क्या थी अलग से सिखों के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह हालांकि बाद में औरंगजेब से मिलने के लिए महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन नांदेड़ के पास उनकी हत्या कर दी गई, उनको छुरा भोग दिया था एक अफगान ने। ठीक, चलिए, कई सारे विद्रोह हुए, लेकिन औरंगजेब के लिए जो सबसे कठिन विद्रोह साबित होता है वो इसके बेटे का विद्रोह था। औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, अकबर का विद्रोह इसके खिलाफ जब हुआ तो वो औरंगजेब के लिए सबसे दर्दनाक साबित होता है। अकबर ये वाला अकबर नहीं, ये औरंगजेब का बेटा था अकबर, इसने विद्रोह कर दिया। अब अकबर का जो विद्रोह हुआ इसकी जड़ें जो थीं वो एक तो औरंगजेब की नीतियां थीं और दूसरे राजपूतों से भी जुड़ा हुआ था। तो अकबर का विद्रोह, राजपूतों का साथ और साउथ, ये तीनों चारों समस्याएं एक साथ औरंगजेब के लिए खड़ी हुई और इन चारों समस्याओं के समाधान के लिए औरंगजेब ने एक साथ कोशिश की। अब इस समस्या का जन्म कहाँ से होता है? हुआ ये था कि जैसे कि बताया था कि बाकी के मुगल बादशाह अपनी राजपूत नीतियों में बिल्कुल राजपूतों को बराबरी का सम्मान देते थे, राजपूतों को अच्छा मनसब प्रदान करते थे, तो औरंगजेब ने भी शुरुआती दौर में यही किया था कि अपनी जो राजपूत नीति थी वो पुराने मुगल बादशाह जो शाहजहां जहांगीर अकबर वो उसी के हिसाब से चलाया। इसके राजपूत नीति में जो बदलाव आया वो आया 1679। ये जो 1679 का साल है, समझ लीजिए कि औरंगजेब के शासनकाल का एक सेकेंड फेज आप कह सकते हैं, कि यहीं से फिर पतन स्टार्ट हो जाता है, यानी चरम पर पहुंचा दिया था, अब पतन यहीं से स्टार्ट होता है। अब पतन की शुरुआत की थी राजपूतों ने, राजपूतों ने ही पतन की शुरुआत की और गया ये साउथ तक और वहीं जाके ये खत्म हुआ। अब पतन की शुरुआत होती कैसे, कि जैसे मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह वही जसवंत सिंह जिन्होंने आपको बताया था कि शाहजहां के जो उत्तराधिकार युद्ध में पहले धर्मत के लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बाद में औरंगजेब ने इन्हें माफ़ कर दिया था और औरंगजेब ने इनको 7000 की मनसब दी थी। हालांकि औरंगजेब जसवंत सिंह से चिढ़ता बहुत था, जसवंत सिंह, क्योंकि जसवंत सिंह एक बार इसके खिलाफ लड़ चुके थे, तो इसलिए औरंगजेब क्या करता था कि जसवंत सिंह को कभी दक्कन के अभियानों पर या कभी मध्य एशिया के अभियानों को भेजता था। तो हुआ ये कि एक बार जसवंत सिंह को इसने 1679 में जमरूद के अभियान पर भेजा था, जमरूद उधर सेंट्रल एशिया में पड़ता है, तो काफ़ी जसवंत सिंह बूढ़े हो गए थे और उसी जमरूद अभियान पर जसवंत सिंह की मौत हो गई, वृद्ध हो गए थे, बूढ़े होकर मर गए। जसवंत सिंह की जब मौत हुई जब जमरूद में 1679 में, तो उनका अभी कोई बेटा नहीं था, हालांकि उनकी रानियां साथ थी और एक रानी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने ही वाला था। ठीक, और कोई लड़का नहीं था। फिर जो इनका जो काफिला था जसवंत सिंह जो राठौरों का राजपूतों का जो काफिला था, जसवंत सिंह की रानियों और पूरी सेना लेके वापस ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में ही जसवंत सिंह की एक वाइफ ने एक लड़के को जन्म दिया। उस लड़के का नाम रखा गया, यानी इन्हीं का जो बेटा था, अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म जसवंत सिंह के बाद हुआ था। ठीक, तो अजीत सिंह अभी पैदा हुआ और उसकी जो माएँ थीं उसको लेके, उसकी फैमिली को लेके राजपूत सरदार थे दुर्गादास राठौर। ये दुर्गादास राठौर, ये अजीत सिंह और जसवंत सिंह की विधवा उनकी फैमिली को लेके दिल्ली पहुंचते हैं अकबर के दरबार में और कहा कि भाई अजीत सिंह ने जन्म ले लिया है और मारवाड़ का जो टीका है यानी मारवाड़ की गद्दी अजीत सिंह को सौंप दी जाए। लेकिन औरंगजेब एक बच्चे को, एक नाबालिग बच्चे को जो अभी जन्म लिया है उसको गद्दी सौंपने के मूड में था नहीं, और दूसरी बात कि जसवंत सिंह से थोड़ा चिढ़ा भी हुआ था इसलिए उसकी फैमिली को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया कि जसवंत सिंह के ही एक बड़े भाई थे इंदर सिंह,
तो इंदर सिंह के एक छोटे से नाती को, छोटे से सॉरी इंदर सिंह इन्हीं के रिश्तेदार थे, यानी इनके चाचा या भाई के लड़के थे, तो इंदर सिंह को टीका दे दिया कि भाई अब तुम जसवंत सिंह की जगह मारवाड़ के राजा हो, और उसको टीका लगा दिया इंदर सिंह को। तो इंदर सिंह को टीका लगाना और कुछ पैसा वैसा घुस लिया था, उससे पैसा लेकर उसको गद्दी बेच दी। इस बात पर जो अजीत सिंह के जो संरक्षक थे दुर्गादास राठौर, वो नाराज होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब इनका था मारवाड़ तो इनके बेटे को मिलना चाहिए। औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, हम अजीत सिंह को राजा बना देंगे, लेकिन अजीत सिंह को राजा बनने से पहले इस्लाम स्वीकार करना होगा, यानी उसको आप मुसलमान बना दीजिए, हम उसको मारवाड़ का टीका दें, मारवाड़ सौंप देंगे। इस बात से दुर्गादास राठौर नाराज हो गए, भाई तो गलत है, हमने जिंदगी भर आपका साथ दिया और हमारे साथ ऐसा करेंगे। औरंगजेब ने कहा कि हम इंदर सिंह को दे चुके हैं टीका, अब कोई बात नहीं बननी है। और जब देखा कि ये लोग अभी मानने को तैयार नहीं, तो औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि अजीत सिंह और उसकी फैमिली और राठौर को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन राठौर तब तक जो दुर्गादास थे वो अलर्ट हो चुके थे, जसवंत सिंह के बहुत पुराने वफादार थे, उन्होंने कमर कस ली कि अब चाहे जो कुछ हो अजीत सिंह को राजा बना के छोड़ेंगे। अब ये जो दुर्गादास राठौर की कसम 1679 की थी, उस कसम ने समझ लीजिए कि मुगल साम्राज्य को हिला दिया इस दुर्गादास राठौर की सौगंध ने। और वो वहाँ से, इससे पहले कि मुगल इनको गिरफ्तार करते, उनकी फैमिली को वहाँ से निकले और निकल के मारवाड़ चले गए और राजा घोषित कर दिया बड़े शान और शौकत के साथ अजीत सिंह को। इस बात से औरंगजेब नाराज होता है और अपनी सेना भेजता है और सेना के साथ खुद अजमेर की तरफ बढ़ता है। इधर मारवाड़ अकेले नहीं था, मारवाड़ का साथ दिया मेवाड़ ने, क्योंकि जो अजीत सिंह की माँ थी वो मेवाड़ की ही राजकुमारी थी। अब मेवाड़ और मारवाड़ इकट्ठा हो गया, अजमेर तक पहुँचते पहुँचते औरंगजेब को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मारवाड़ के साथ मेवाड़ भी आ चुका है। अब अजमेर में जब इधर पहुँचता है औरंगजेब, उसकी हालत खराब। अब पहुँचा था वही संदाज में था कि मारवाड़ हो गया, लेकिन साथ साथ मेवाड़ ही आ गया, राठौरों ने साथ दे दिया, औरंगजेब की हालत खराब हो गई। इसी समय औरंगजेब की स्थिति जब कमज़ोर हुई, तो उसकी, क्योंकि गिर चुका था, इसके बेटे अकबर ने क्या किया कि विद्रोह करके राजपूतों से मिल गया। उसको लगा कि भाई औरंगजेब की स्थिति खराब है तो राजपूतों का साथ देंगे, राजपूत हमको बादशाह बना देंगे। और राजपूतों को अकबर ने ऑफर दे दिया कि भाई हम अजीत सिंह को राजा मान लेंगे, बस हमें अपने पिता के खिलाफ विजय दिला दो, हमको बादशाह घोषित करा दो। और अकबर भी मिल गया किसके साथ, राजपूतों के साथ। और अजमेर में अकेले घिर गया औरंगजेब अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ, वो घिरा हुआ था। बड़ी बुरी हालत थी, औरंगजेब एक तरफ, बाकी ये तीनों एक तरफ। इस बुरी हालत में औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लिया। बताया पुराना जुगाड़ी था, वो इतना बड़ा योद्धा था, इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। उसने क्या किया कि अपने बेटे के नाम एक फर्जी चिट्ठी लिखी, उसने लेटर लिखवाया और उस चिट्ठी को जानबूझ के राजपूतों के खेमे की तरफ गिरवा दिया कि जैसे गलती से गिर गया। और उस चिट्ठी में उसने अपने बेटे को बधाई दी कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया कि मेवाड़ और मारवाड़ वालों को इकट्ठा हमारे सामने लेते आए, हमारी सेना पीछे से आ रही है, पीछे से इन लोगों को घेर रही है, सुबह होते होते इन सबको ख़त्म कर देंगे और पूरे राजपूताने पर हमारा कब्जा हो जाएगा। जबकि इसके बेटे ने कहा नहीं था, लेकिन केवल फूट डालने के लिए अपने बेटे की शाबाशी में उसने चिट्ठी लिख दी कि बस बहुत अच्छा किया बेटा कि इन सबों को फंसा के लिया, अब हम लोग मिर गए, इसको मारा जाएगा। अब राजपूतों, राजपूत सनक गए कि यही फंसाया है लगता है, हम लोग घिर गए हैं चारों तरफ से। उसने ऐसा माहौल बनाया कि चारों तरफ से घेर लिया गया। सुबह होते होते सारे राजपूत वहाँ से खिसक लिए, भाग लिए वहाँ से। औरंगजेब की यहीं पर बीच विजय होती है, छोटी टुकड़ी के साथ उसने हमला कर दिया, अकबर के पाँव उखड़ते हैं। अकबर वहाँ से भागा और भाग के सीधे पहुंचा मराठों के पास। अब उस समय मराठा सरदार थे संभाजी, शिवाजी के बेटे। संभाजी ने अकबर को शरण दे दी और दुर्गादास राठौर भी अजय सिंह को लेकर सक्कन चला गया। उसी का पीछा करते हुए औरंगजेब भी पहुंचता है दक्कन। अब औरंगजेब दक्कन क्यों पहुंचा, ये बात समझ में आएगी, अपने बेटे का, विद्रोही बेटे का पीछा करते हुए। दूसरा इसका, एक तो ये रीज़न था, दूसरा मराठे, मराठे हिंदू थे, इनको औरंगजेब सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि शिवाजी इससे पहले कई बार मराठों, मुगलों को पराजित कर चुके थे, मुगलों से कई बार संघर्ष हो चुका था शिवाजी का। इवन एक बार शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां के ही महल पर हमला कर दिया, शाइस्ता खां के बेटे की हत्या कर दी और उसी के हरम में घुस के शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। वो तो शाइस्ता खां बच गया, उसका ऊँठा कट गया, रात को भागे, शाइस्ता खां भाग लिया वहाँ से। तो औरंगजेब ने अपने मामा को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो मराठों से इनका संघर्ष औरंगजेब का चल ही रहा था, टेंशन में था।
उधर बीजापुर और गुलकुंडा, ये दोनों बड़ी शक्तियाँ थी और ये दोनों शिया थे, ये दोनों शिया, ये हिंदू और इसका बेटा विद्रोही, उसने जाके शरण ले ली। अब ये चारों फैक्टर मिले जिसकी वजह से औरंगजेब पहुँचता है दक्कन। और दक्कन ऐसा जब वो पहुँचा, मतलब पहुँचा तो पहुँचा, और यहीं दक्कन की राजनीति में वो उलझा, और ऐसा उलझा कि दोबारा वो पलट के उत्तर नहीं आ पाया और यहीं इसकी कब्र खुदी। दक्कन ही औरंगजेब की कब्र साबित होती है, क्योंकि इसने पहले मराठे, फिर बीजा, फिर गोलकुंडा, सबसे उलझना शुरू किया। और मराठों में इसने पहला काम किया कि जो संभाजी थे, संभाजी से टक्कर लेनी शुरू कर दी। संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे, संभाजी भी हार मानने वाले थे, नहीं तगड़ी टक्कर दी। फिर इसने बीजापुर पर हमला किया, बीजापुर को घेर घार के किसी तरीके से बीजापुर की समाप्ति की, बीजापुर के विजय किया। बीजापुर के बाद गोलकुंडा, गोलकुंडा में मदन्ना और अनन्ना दो बड़े नायक थे, उन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से मारा काटा, वहाँ पर तबाही मचाई। लेकिन पूरा इसका जो बुढ़ापा था, इसी मराठे, बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे, बीजापुर, गोलकुंडा, इसी में वो भटकते रहा। भटकते भटकते इसने बीजापुर गोलकुंडा पर कब्जा तो कर लिया, यानी कब्जा तो कर लिया, लेकिन उस कब्जे को स्थायी नहीं रख पाया और उस कब्जे की कीमत उसको अपनी मौत के रूप में चुकानी पड़ी थी, क्योंकि एक लंबा समय उसको इसी में उलझना पड़ा, क्योंकि दक्कन की राजनीति पठार बहुत उलझे हुए थे। उसी चक्कर में मराठों से दुश्मनी उसको भारी पड़ी, क्योंकि मराठा सरदार जो संभाजी थे, संभाजी की इसने हत्या करा दी। संभा की हत्या से मराठे और ज़्यादा नाराज हुए और मुगलों का कदम कदम पर विरोध करना शुरू कर दिया। तो मुगलों का कदम कदम पर विरोध करने के चक्कर में छोटे छोटे विद्रोह होने लगे और मराठों ने गुरिल्लावार जारी रखा। उस गुरिल्लावार जारी रखने की वजह से मुगलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो संभाजी, संभाजी के बाद इनके सौतेले भाई थे राजा राम। राजा राम 1700 में मरे तो राजा राम की विधवा थी ताराबाई। लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया। संभाजी जो थे वो 1689 तक थे, फिर 1689 से 1700 तक राजा राम थे, फिर 1700 से 1707 तक ताराबाई थे। इन सब ने लगातार संघर्ष जारी रखा। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम, राजा राम की हत्या के बाद ताराबाई। तो लगातार औरंगजेब इन तीनों पीढ़ियों से उलझता रहा। और इसके पहले शिवाजी तो खैर पहले थे ही, शिवाजी की अलग कहानी है, वो शिवाजी मराठों का अलग चैप्टर हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर पूरा शिवाजी का संघर्ष बताएंगे, यहाँ पर केवल इनके उत्तराधिकारियों का संघर्ष। तो इसी संघर्ष में इधर से उधर, उधर से उधर बुरी तरीके से उलझा, और इस उलझन में जो इसका संघर्ष शुरू हुआ था पूरे 30 साल लगे। तो जो दुर्गादास राठौर ने 1689 में शुरू किया था कहानी, कहा जाता है कि ये 30 वर्षीय युद्ध बना फाइलानी। 1709 में जो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था, इसका जो बेटा था मुअज्जम, उसने अजीत सिंह को राजा मान लिया, यानी राजा इसको बाद में मानना ही पड़ा, लेकिन कितने साल लगे, 30 साल। और उस चक्कर में इधर जो उलझा वो अलग, और इसी उलझन में उम्र इसकी पूरी हो चुकी थी, सोचिए पूरा 90 साल का हुआ था, और 90वें साल तक औरंगजेब इन चीज़ों से उलझता रहा, लड़ता रहा, भिड़ता रहा, भटकता रहा। इस लड़ते भिड़ते भटकते में इसका जीवन बिल्कुल दुरूह हो चुका था और अंतिम समय इसका बहुत ख़राब हो चुका था। दक्कन में एक जगह से दूसरी जगह बूढ़ा हो गया, 90 साल का बूढ़ा आदमी, उसी में कहीं विद्रोह हो रहा, इधर उधर विद्रोह के चक्कर में उत्तर पर कंट्रोल होना शुरू हो गया, और इसके जीते जी इसके जो बेटे थे वो उत्तराधिकार युद्ध की तैयारी करने लगे। तो बुढ़ापे में इसका जो समय था 90 साल का, जूझ तो रहा था दुश्मनों से भी, और पर्सनल लाइफ में भी इसके बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। इसकी अपनी जो बड़ी बेटी थी जेबुन्निसा, वो 1702 में उसकी मौत हो चुकी थी। इसका जो बेटा था विद्रोह किया था, भाग के फारस चला गया, फारस में 1704 में इसी के सामने इसके बेटे की मौत हो गई। इवन इसके दो पोतों की मृत्यु औरंगजेब से, सोचिए औरंगजेब से पहले इसके दो पोते मर चुके थे, इसकी एक बहू थी जहाँजेब, जहाँजेब की मौत भी औरंगजेब के पहले हुई। सोचिए इसके बहू, इसके पोतों की मौत इसके पहले हुई, और इसकी जो आखिरी बहन जो जीवित बची हुई थी गोहनारा, गोहनारा की मौत भी औरंगजेब की मौत के 1 साल पहले हुई, 1706 में इसकी मौत हुई। और सबसे फेवरेट इसकी जो वाइफ थी, औरंगजेब की वाइफ जो थी दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया कहा जाता है, रबिया बीबी या रबिया दुर्रानी, तो दिलरास बानो बेगम थी ईरान की बहुत शाही खानदान की कन्या थी। तो दिलरास बानो बेगम हमेशा, हालांकि इसके साथ रही, और दिलरास बानो बेगम की भी एक बड़ी दबी इच्छा थी,
कृष्ण औरंगजेब से एक बार कहा था कि भाई हमारे जो पिताजी थे ससुर जी शाहजहाँ, उन्होंने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, इतना शानदार ताजमहल बनवाया, तो आप भी उन्हीं के संतान हैं, इतने बड़े राज्य के आप बादशाह हैं, तो हमारी मोहब्बत में हमारी याद में भी कुछ बनना चाहिए, ताजमहल टाइप का कुछ। तो औरंगजेब ने कारीगरों को बुलाया, बोले कि भाई ताजमहल टाइप का कुछ बनवाया जाए, लेकिन पता चला ताजमहल तो बहुत महंगा बना था, औरंगजेब था कंजूस टाइप का आदमी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, ताजमहल टाइप का कुछ छोटा मोटा कुछ बना दो, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, अब पैसा देंगे नहीं बनवाएंगे ताजमहल तो बनेगा तो है नहीं। तो कहा जाता है कि ताजमहल की बहुत ही फूहड़ नकल, बहुत ही गंदी नकल, काले गंदे पत्थरों से उसने बीबी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद में, ठीक है। तो औरंगाबाद में इसने क्या बनवाया, बीबी का मकबरा, कंजूस आदमी था, तो कहा जाता है कि ये बीबी का मकबरा था औरंगाबाद, ये ताजमहल की बहुत गंदी फूहड़ नकल मानी जाती, बहुत खराब बनवाया था, अच्छा नहीं बनवाया था, पैसा लगा। अब शाहजहाँ ने बहुत दिल खोल के खर्चा किया था, ये नहीं करना चाहता, तो उसी में इसको वाइफ पर दफन किया गया। इवन इसके जब अपने पढ़ने के लिए, जब दिल्ली पर इसका कब्जा होता है, तो इसने अपने नमाज पढ़ने के लिए ताजमहल में अपने कारीगरों से कहा कि हमारे लिए छोटी सी मस्जिद बना दो, क्योंकि जब शाहजहाँ ने अपने लिए मस्जिद बनवाई तो जामा मस्जिद बनवा दी, ऐसी मस्जिद दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद बनवा दी जब शाहजहाँ को नमाज पढ़नी थी। अब औरंगजेब को बड़ा दूर लगता था, बड़ा झंझट लगता था, तो उसने कहा कि लाल किले में एक छोटी सी हमारे लिए मस्जिद बनवा दी जाए। तो लाल किले में बहुत छोटी सी एक तो मस्जिद है, अभी भी है, संगमरमर की है, मोती मस्जिद उसको कहते हैं। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाई अपने पर्सनल यूज के लिए, और बहुत छोटी है, छोटी सी का मतलब मुश्किल से 8x10 के कमरे के बराबर उसने बनवाई थी। अब सोचिए औरंगजेब और शाहजहाँ के व्यक्तित्व में कितना अंतर है, कि शाहजहाँ को नमाज पढ़ना था तो उसने मस्जिद बनवाई जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हो गई, और औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई वो 8x10 का बनवा दिया कि बस जरूरत काम हो जाए उसका। शाहजहाँ ने अपनी बेगम का मकबरा बनवाया तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत उसने बनवा दी ताजमहल, औरंगजेब ने उसी की बहुत गंदी नकल बनवाई, ठीक है। तो कंजूस टाइप से था, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता था। खैर, तो उन्हीं बात की बुरी परिस्थितियों में भटकते हुए इधर से उधर फाइनली मार्च 1707, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में कि बहुत बुरी हालत आ चुकी थी, इसके पोते बहन भाई बच्चों सब कईयों की मौत हो चुकी थी, उसी हालत में भटकते हुए अहमदनगर के पास में इसकी मृत्यु हो गई। 90 साल की उम्र पूरा जिया है, 90 साल की उम्र में इसकी मौत हुई, और इसी को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर एक फ़कीर बुरहानुद्दीन का मकबरा था, कब्र थी, तो उसी फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में ही इसको दफन कर दिया गया, ठीक है। तो दौलताबाद के पास ही इसको दफन कर दिया गया, यानी ऐसा ये साउथ गया कि साउथ में इसकी कब्र खुदी, दक्कन में इसकी कब्र खुदी, दोबारा लौट के ये उत्तर नहीं आ पाया। तो ये औरंगजेब का लाइफ था, इसका लाइफ यही बताता है कि अगर किसी एक चीज़ को आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर देंगे तो फिर वो पतन का कारण बनेंगे। सब कुछ इच्छा था, लेकिन धर्म के प्रति इसकी जो सनक थी, इसकी जो जिद थी, वो इसके हर काम में दिखाई पड़ती है कि इतना शानदार व्यक्तित्व, इतना पढ़ा लिखा हुआ, इतना बड़ा योद्धा, इतना काबिल योद्धा, जो केवल धर्म की सनक की वजह से वो परेशान रहा और 90 साल की उम्र तक वो भटकता रहा, भटकते भटकते उसकी मौत हो गई, बहुत बुरी परिस्थिति में ये मरा था, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हालांकि औरंगजेब वो अंतिम मुगल बादशाह था कि जिसने मुगल साम्राज्य को संभाल के रखा, और इसी के समय के बाद यानी औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद जो मुगल बादशाह बने उनका कोई बहुत खास योगदान नहीं था, उनको हम लोग फटाफट देखेंगे, जिसको उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है, लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।